What about Tavish? Tavish, he just went like माशाल्लाह. ताबिश एक तो बहुत स्पॉन्टेनियस वो जवाब देता है, very humorous, और दूसरे उससे बात करके पता चलता है हाँ यार कराची का ही है ये, क्योंकि वो जो तंज सरकैज़म और थोड़ा सा विटीनेस है उसके अंदर और बहुत ज़्यादा वो स्पॉन्टेनियस जवाब देता है तो गेस्ट को भी बड़ा मज़ा आता है. और ताबिश का जो TBH है उसमें कभी रीटेक का कुछ सीन ही नहीं था, कैमरा चलता था बस, पीछे अजफर भाई बोल देते थे कि यार अभी रुक जाओ अभी ये कर दो, बस एक दो दफ़ा वो हुआ, उसके अलावा किसी ने छेड़ा नहीं होस्ट और गेस्ट को, बस जो भी चल रहा उसके बाद एडिट पे जो भी निकला वो निकला. डू यू थिंक दैट यहाँ के जो कुछ सेलिब्रिटीज़ होते हैं सेलिब्रिटीज़ को भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है दैट जब आप एलन के शो में देखते हो तो वहाँ हॉलीवुड एक्टर्स आकर यू नो देयर रियली डिफरेंट. करण के शो पर भी अगर आप देखते हो तो आर्टिस्ट बहुत अलग होता है, लेकिन यहाँ आर्टिस्ट बहुत अपनी एक बाउंड्री में यू नो दे कीप दिस वेरी ह्यूज फैंस, एंटरटेनमेंट बहुत ज़ीरो होती है. देखिए मैं बताता हूँ, पाकिस्तान में एक्चुअली कोई अभी तक स्टार नहीं है, कुछ सुपर स्टार आप बता दो. वी डू हैव अ स्टार. नहीं हम मैं बता रहा हूँ अभी वो आप उंगली पे गिन सकते हैं. हाँ फहाद मुस्तफ़ा, फवाद खान, आतिफ असलम, औरतें भी हैं मायरा खान, मायरा खान, सबा कमर, सबा कमर. इतने मतलब 25 करोड़ की आवाम में आपने मुझे 6 लोग गिनवाए या ज्यादा 10 गिनवा देंगे आप. ये भी देखो ना, देखो पाकिस्तान में मसला ये है कि बहुत कम लोग हैं जिनका स्टारडम है जिनको कह सकते हैं आप, बाकी सारे एक्टिंग कर रहे होते हैं सेलिब्रिटी बनने की. तो हमारे पास एक्चुअली वही बात है ना कि सब अंदर से खोखले, और ये जो एक्टिंग करने वाली बात है डिजिटल पे अगर इनको सीखना चाहिए ना तो सीखें आप जाके इंडिया से. शाहरुख खान किस तरह भुवन के शो में बैठा था, चंपी कर रहा है, ये शाहरुख खान है वो, और मगर भुवन के साथ इस तरह बैठा हुआ है जैसे भुवन ज़्यादा बड़ा स्टार है, क्योंकि शाहरुख खान को पता है कि यूट्यूब पर इसको देखा जा रहा है ज़्यादा, तो मुझे इसके साथ बिल्कुल ऐसे ही बैठना है जैसा कि मैं नॉर्मल अपने किसी दोस्तों के साथ बैठता हूँ. ये चीज़ यहाँ पे सीखनी चाहिए लोगों को, और इसका नुकसान इन्हीं को हो रहा है. आज आप देख लें किसी यूट्यूबर को उठाएं और किसी एक मेन स्ट्रीम सेलिब्रिटी को उठा लें ना, दोनों के इनकम में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा और अप्रोच में भी बहुत फ़र्क होगा. कौन ऊपर होगा आसमान पर, कौन ज़मीन पर होगा, ये भी देखिए जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा. बट आपने देखा है लाइफ स्टाइल में बड़ा फ़र्क है दोनों की, और रिजल्ट नज़र आ रहा है, यही फ़र्क है. क्योंकि अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, बट कोई सेलिब्रिटी होगा ना तो वो एक मिसाल ले लेते हैं हम. वैसे फहद मुस्तफ़ा बहुत बड़े अच्छे, उनके साथ हमने एक स्किट भी बनाई थी, और मेरा ख्याल है कि वो मैं मुझे शौक लगा था, बड़े डाउन टू अर्थ बंदे थे. एक उसमें हम लोग एक सीन कर रहे थे तो बाइक के ऊपर उनका सीन था और मैं पुलिस वाला बना हुआ था. हाँ. तो वो बाइक पे आना था तो हम, अब अंधेरा हो रहा था, हम एक सोसाइटी में चले गए, लेके चले गए भाई यहाँ पे शूट कर लेते हैं. तो बराबर में जनरेटर चल रहा था और मैंने बोला यार हम जो रिकॉर्ड करेंगे आवाज़ ही नहीं आएगी. तो अब मैं ढूंढो यार किसी को बोलते हैं जनरेटर बंद करो, वो खुद ही बाइक स्टार्ट की गए, गेट कटकटाया यार जनरेटर बंद करो एक सीन शूट कर रहे हैं, खुद जाके बोल के आ गए हम हंस रहे हैं पीछे. तो हाँ खैर बात यह है कि मैं जो कह रहा था ना कि यूट्यूबर और मेन स्ट्रीम जो सेलिब्रिटीज़ हैं उसमें क्या फ़र्क है, उसमें फ़र्क ये है कि आवाम के लिए अगर फवाद खान है ना, हम हैं मुबीन भाई. ओके तो लोग ये हम लोगों के बीच में हम भूले हैं, देयर टू डिफरेंट एसोसिएशन में बहुत फर्क है. वेज आल्सो यस एंड हम हैं उनके मुबीन भाई, वो हैं फवाद खान. ये चीजें एक दूसरे के लिए बैलेंस के लिए भी है. YouTube नीड्स द इंडस्ट्री नीड्स द YouTube, दैट्स हाउ इट शुड बी. बल्कि अब तो इंडस्ट्री को YouTube की नीड होगी, क्योंकि अब तमाम ड्रामे देख लें वो YouTube पे चल रहे हैं. हां दैट इज ट्रू. हां वो कोई उनके चैनल कोई खोल के नहीं देख रहा. बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें.